अग्नि hey परीक्षा के सोल्यूशन एज यूजल सारे सोल्यूशन आपको बोधी ट्री के प्लेटफॉर्म पे हंड्रेड एंड वन परसेंट मिलेगी वीडियो सोल्यूशन कॉर्ड जेल आर के जो खुद में बनाता हूँ और वर्वल के मल्ला सर बनाते यूट्यूब पे ड्यू टू देंथ ऑफ दीडियो हम लोग कुछ सिलेक्टेड फ्यू क्वेश्चन डालने वाले

ए सोल्ड आर्टिकल अच्छा क्वेश्चन है ये प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का सिंपल क्वेश्चन uh, है टाइम uh, मतलब मुश्किल नहीं आ जाना चाहिए ऑब्वियसली इसके अपन ने जो ट्रिक समझी है उसकी वजह से तुम्हारा फास्ट होगा और रेक्ट एंगल पी क्यू आर एस इज गिवन ठीक है साइड uh, है ठीक है मैं टू बोर्ड्स ए एंड बी ठीक है ए एंड बी है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है आ जाना चाहिए ये एंड सर्डिस का क्वेश्चन है आ जाना चाहिए ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत मुश्किल नहीं है बहुत इजी भी नहीं मॉडरेट लेवल का मॉडरेट ओनली बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द पैसेज नहीं तो इजी क्वेश्चन ही है है ये सारे है, ये 6, 7, 8, 8, 10, 9, ये 10. ये सारे एंड तुम्हारा इलेवंथ क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है ये ट्वेल्थ भी क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन दिस इज बेसिकली अ फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक दिया है देन यहाँ पे आपको फाइव ऑप्शंस दिए हैं वो कैप बेस्ड फिल इन द ब्लैंक है क्वेश्चन फोर्टीन इज सिमिलर अगेन वो कैप बेस्ट फिल इन द ब्लैंक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज चूज द वर्ड दैट बेस्ट सूड सब्सिट्यूट द मीनिंग सो वन वर्ड सब्सिट्यूशन है मीनिंग so दिया हुआ है आपको ऐसा वर्ड ढूंढना है जो ये मीनिंग का है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सिमिलर वन वर्ड सब्सटीट है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन यहाँ पे आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताने हैं वर्ड का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है क्वेश्चन नंबर एटीन भी पार्ट ऑफ स्पीच वाला है सिमिलर है आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है वर्ड का क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इडियम्स एंड फ्रेजेस पे बेस्ड है तो आपको एक ईडियम में फ्रेज दिया होगा उसका मीनिंग आपको ढूंढना है फाइव ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर अगेन इडियम्स एंड फ्रेजेस राइट अ पर्सन कवर्स टू फोर्टी किलोमीटर जर्नी इन टू पार्ट इन टू पार्ट ठीक है फर्स्ट पार्ट ही ट्रेवल्ड इन कार एंड रिमेनिंग जर्नी ही कवर्ड इन बस जर्नीट्स टू फोर्टी किलोमीटर की जर्नी है एक्स किलोमीटर कार पे जा रहा है टू फोर्टी माइनस एक्स किलोमीटर किसमें जा रहा है बस में रेंट ऑफ कार इज ट्वेल्व किलोमीटर ट्वेल्व रुपीज पर किलोमीटर एंड फॉर बस इट इज फाइव रूपीज पर किलोमीटर सिंपल क्वेश्चन है तो कार का कितना रेंट हो गया ट्वेल्व एक्स uh, बस का हो गया फाइव इंटू टू फोर्टी ट्वेंटी सिंपल क्वेश्चन है अभी तक कुछ मुश्किल नहीं फी पेड़ रुपीज टेन मोर फॉर रेंट ऑफ बस देन दैट ऑफ कार देन फाइन द डिस्टेंस ट्रेवल ठीक है मतलब ये है टेन रुपीज मोर देन दिस सिंपल तो ट्वेल्व हंड्रेड माइनस फाइव एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स Is equal to 10 रुपीस। ऐसे उन्होंने दिया है तो ये टेन इधर हो जाएगा तो इलेवन नाइनटी इज इक्वल टू की वैल्यू क्या आएगी हंड्रेड एंड नाइनटीन सेवनटी एक्स की वैल्यू आ गई सेवनटी तो इस पे अपन जा रहे सेवेंटी किलोमीटर इस पे जा रहे टू फोर्टी माइनस सेवनटी वन सेवन किलोमीटर पूछा क्या है फाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाईम इन द बस बस से वन सेवनटी किलोमीटर जा रहे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है कुछ भी रह गए तो लेट मी नो मूविंगल एंड डिस्काउंट का दिख रहा है टू बी एट प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट हुए परसेंट प्रॉफिट तो ए का अगर कॉस्ट प्राइस मैं हंड्रेड ले रहा हूं तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा पच्चीस परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा ना तो बी को उसने बेचा एक सौ पच्चीस रुपए में विच विल बी द कॉस्ट प्राइस फॉर बी ये बी का कॉस्ट प्राइस हो गया क्योंकि उसने उतने में खरीदा तो हु फर्दर सोल्ड इट फॉर सी सी को कितने में बेचा ट्वेंटी परसेंट तो इसका फिफ्थ तो हो जाएगा ट्वेंटी फाइव वो एड करके वन फिफ्टी रुपीज जो कि होगा सी का कॉस्ट प्राइस इनका सेलिंग प्राइस इसके लिए ये ए के लिए ये सेलिंग प्राइस है बी के लिए ये सेलिंग प्राइस है आई होप दैट इज क्लियर ठीक है ए का कॉस्ट प्राइस ये था दिस वॉज द कॉस्ट प्राइस फॉर अज्यूम कर रहे हैं, देखते फोर्टी अपॉन हंड्रेड इन टू वन फिफ्टी तो जीरो जीरो कट हो, uh, हो, uh, so, हो जाएगा सिक्सटी रुपीज तो so, डी को वो बेच रहा है नाइन्टी रुपीज में डी के लिए नाइंटी रुपीज कॉस्ट प्राइस है एंड दिस इज सेलिंग प्राइस फॉर सी सिंपल हैज डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर ए ए का सेलिंग प्राइस क्या है ये है ए का सेलिंग प्राइस क्या है 125 है एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर डी कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर डी क्या है कॉस्ट प्राइस कितना है 90 वो 90 में खरीद रहे हैं ना इनका डिफरेंस आ गया हाइपोथेटिकल कंडीशन में ये अपन ने पिछले अग्नि परीक्षा में भी देखा है ठीक है हाइपोथेटिकल कंडीशन एक्चुअल कंडीशन बहुत अच्छा तुमको मैंने ट्रिक बताया थर्टी फाइव रुपीज का डिफरेंस है आ, आ, और उन्होंने बोला कि एक्चुअली उन्होंने दिया है हाइपोथेटिकल okay. तो आ गया थर्टी फाइव रुपीज एक्चुअल उन्होंने दिया वन सेवन फाइव रुपीज फाइन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर सी सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा था डेढ़ सौ रुपया उसने बेचा नाइंटी रुपीज में तो हाइपोथेटिकल केस में डेढ़ सौ रुपया कॉस्ट प्राइज है एक्चुअल केस में क्या आएगा यूनिटरी मेथड डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन रिलेशन है ये ये ऊपर जाएगा जाएगा नीचे नहीं होता इनडायरेक्ट रिलेशन होता तो ये ये ऊपर ही रहता ये नीचे रहता नीचे ठीक है टाइम एंड वर्क में कि मैं अगर 35 फाइव डायरेक्टली डिवाइड होने वाला है देखो 35 फाइव टू यान फोर्टी फाइव

ओके सो डिसेंट है डिसेंट का मतलब होता है गुड जैसे हम कहते हैं द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऑफ दिस बिल्डिंग इज डिसेंट मतलब ठीक-ठाक है अच्छी खासी है ये डिसेंट है नीचे जाना लाइक like, एसेंट एक होता है एसेंट मतलब कुछ ऊपर 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 जाना और डिसेंट मतलब नीचे नीचे जाना डिसेंट मतलब

डिफेंड यूनो डिफेंड क्या होता है किसी चीज को डिफेंड करना और डिसेंट ये जो है डीई एस एस ई एन टी है ये ऐसा कुछ वर्ड नहीं है ठीक है दिस इज अ मेड अप वर्ड सो डी आई एस एस ई एन इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है सो so, हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग है लैकिंग पर्पज और डिरेक्शन फर्स्ट है मैथोडिकल मैथोडिकल मतलब सम वन ऑर्गेनाइज्ड या ठीक है इसका मीनिंग होता है मैथोडिकल ऑर्डरली ये सिनोनिम्स है मैथोडिकल के टेनेशियस मतलब समवन हु इज परसिस्टेंट इन हीज और हर एफर्ट समवन हु इज डिटरमाइंड टू अचीव समथिंग सो टेनेशियस का सिनोनिम क्या आएगा एक परसिस्टेंट डिटरमाइंड एक्सल्टेंट मतलब someone who is very happy, हु इज वेरी हैप्पी समवन who समवन इसका सिनोनिम है एक अच्छा jubilant. Jubilant आएगा, यूफोरिक आएगा सिनोनिम, हैप्पी भी हो सकता है ठीक है सो ओवरजॉइड jubilant, यूफोरिक या हैप्पी डेजल्टरी मतलब समवन or डिरेक्शन मतलब सम वन इज एमलेस ठीक है दिस इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर हु लैक्स पर्पज और डिरेक्शन सम वन इज एमलेस इसका ऑपोजिट आएगा मैथोडिकल सम वन इज ऑर्गेनाइज और सम वन इज सिस्टमैटिक ठीक है प्रोलिफिक मतलब सम वन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग सो सम वन इज प्रोडक्टिव कोपियस कोपियस मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग कोपियस अगर ले रहे हैं तो हम लेंगे प्लेटिफुल भी आ सकता है ठीक है सो समवन हु इज प्रोडक्टिव कोपियस और प्लेंटीफुल वो है प्रोलिफिक प्रोलिफिक मतलब समवन हु इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ समथिंग देन सपोज कोई पेड है ठीक है और उसको बहुत हैं। so, हम कह सकते लाइक बटन शेयर करो सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल टेलीग्राम ग्रुप पे डेली बेसिस पे कॉर्ड एल आर वर्बल के क्वेश्चन हम लोग डालते रहते हैं वर्बल में भी वो कैप शीट भी डालते हैं जिससे काफी क्वेश्चन एक्चुअल सीईटी में आते हैं प्लस वी आर ऑल्सो मतलब अपलोडिंग करंट अफेयर्स की क्विजेस इंस्टाग्राम पे डेली न्यूज एनालिसिस डेली आता है सी मैट यू जैड जैसे एग्जाम्स में तुम्हारे काम की चीज है यूट्यूब पे तो ऐसे कंटेंट लेके आते ही है ऑल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो